मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ज्योति पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करें तो कई सालों पुराने हमारे यहाँ पर एक महर्षि कनड हुए थे, लगभग 500 बीसी साल पहले। महर्षि कनड, उन्होंने कहा कि सबसे छोटी जो पार्टिकल होता है उसे हम कहते हैं परमाणु। पर जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे यहाँ पर ज्ञान कैसे चलता है, आने वाली जनरेशन को बोल के दे दिया जाता है। हमें पता तो बहुत कुछ था, लेकिन हमने क्या बता दिया, परमाणु बता दिया, लेकिन हमारे पास इसका कोई रिटर्न प्रूफ नहीं था। इसी की वजह से फिर एक साइंटिस्ट आया, डेमोक्रेटस। डेमोक्रेटस साइंटिस्ट ने क्या कहा कि परमाणु नहीं, क्या है, एटम है। क्या नाम दिया उन्होंने, इसी परमाणु का नाम क्या दे दिया, एटम दे दिया। तो आज हम किसको जानते हैं, डेमोक्रेटस ने क्या बताया, एटम बताया। लेकिन ओरिजिनली में अगर हम बात करें तो महर्षि कनड ने क्या बताया, परमाणु, लेकिन हमारे पास रिटर्न ऑब्जेक्ट नहीं था। धीरे धीरे काफी लगभग अगर हम इसकी बात करें तो डेमोक्रेटस जो आया वो 400 बीसी से पहले था, 400 बीसी समथिंग, 400 बीसी से 373 समथिंग बीसी था। अगर हम आगे चलते हैं तो एटम, अगर हम बात करें एटम की डेफिनेशन की, तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अब स्मॉलेस्ट पार्टिकल है क्या, जैसे ये पेन है, अब इस पेन को मैं तोड़ता जाऊं, लास्ट में सबसे जो छोटा इसका पार्टिकल बचेगा वही क्या है, एटम। दूसरी चीज, एटम जो है ये एटम से बनता क्या है, सभी जो हमारे यहां पर मैटर है, मैटर बोले तो जो भी चीज जिसका कोई वेट है वो मैटर कहलाता है। जैसे ये हम तो क्या लिविंग बींग हो गए, नॉन लिविंग बींग जो है, जैसे पैन मैटर है, ये बॉर्ड मैटर है, ये इसमें जो ब्रिक्स लगी हुई है वो मैटर से बनी हुई है। अगर बात करते हैं तो मैटर क्या है, किससे बनता है, एटम से बनता है। एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। किसने कहा सबसे पहले, महर्षि कनड ने कहा था, लेकिन माना किसका जाता है, डेमोक्रेटस का। अगर हम आगे चलते हैं इसमें तो क्या होता है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कई सारे लॉज हैं, जैसे लॉ ऑफ कंपोजिशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंपोजिशन ऑफ जो मास है, लॉ ऑफ कंपोजिशन ऑफ मास की अगर हम बात करें, इसका मतलब क्या है, सॉरी दिस इज नॉट कंपोजिशन, दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे अगर हम बात करते हैं H2+O2 मिलके क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। H2 की अगर हम यहाँ बात करें तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास एक होता है, दो हैं तो दो हो गए, दो के दो मॉलिक्यूल्स हैं तो कितना हो गया, यहाँ ऑक्सीजन की बात कर तो एक एटम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 16, तो दो का कितना हो गया, 32, तो टोटल मिला के कितना हो गया, 36। अगर हम यहाँ पर बात कर तो वही H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18, और दो हैं तो कितना हो जाएगा, 36। सेम आ रहा, क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, किसी भी रिएक्शन के अंदर ना तो मास कम होता है ना मास बढ़ता है, केवल मास एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पर ट्रांसफर जरूर, कैसे, जैसे यहाँ H2 थे, यहाँ दोनों हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ दोनों मिलके क्या बन गए, H2O के मॉलिक्यूल, यानी पानी का एक
दो मॉलिक्यूल्स बन गए। तो मास हमेशा किसी रिएक्शन में क्या होता है, सेम होता है। अब कई बार क्या होता है, जैसे किसी इक्वेशन के अंदर गैस बन गई, अब वो गैस क्या हो गई, रुक नहीं सकती, वो तो हवा में उड़ जाएगी। तो उस कंडीशन में उसका मास तो बना, भाई गैस बनी उसका मास था, लेकिन वो मास क्या हो गया, उड़ गया। तो हम उसको कई बार आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ये जो चीजें चलती रही, इसके अगर हम आगे बात करते हैं इसमें, तो जैसे कोई भी हम अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल में हम बात करते हैं HCl के बारे में। तो अगर HCl में हम जाते हैं तो HCl का क्या है, जैसे HCl बना कैसे, सर ये तो हाइड्रोजन के दो एटम थे, क्योंकि हाइड्रोजन अकेला स्टेबल होता नहीं, क्यों नहीं होता, ये हम आगे डाल्टन की प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे। और यहां पर क्या बनते हैं, दो, भाई एक का हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, एक, क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास 35.5, टोटल कितना हो गया 36.5, और दो मॉलिक्यूल्स हैं तो कितना हो जाएगा 73। यहां बात करते हैं दो हैं तो दो और 71 कितना हो गया, 73। तो मास किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट, सॉरी अगर हम इसको ऐसे भी लिख दें तो ये हो गया रिएक्टेंट और ये क्या हो गया, प्रोडक्ट। तो ये जो रिएक्टेंट है, ये जो प्रोडक्ट है, या फिर हम यहां बात करते हैं ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास इक्वेशन के बाद सेम होता है, इसे ही क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कि मास ना तो बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है। अब बातें चलती रही धीरे धीरे, एक साइंटिस्ट आया, इसमें हम एक और लॉ पढ़ते हैं पहले, जिसका नाम है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। ये क्या, कॉन्स्टेंट का मतलब होता है फिक्स, प्रोपोर्शन का मतलब होता है रेशियो। अभी हमने दो एग्जांपल देखे, कौन कौन से देखे, एक देखा H2+O2, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, H2 दोनों। अब ऐसा क्या हुआ, हाइड्रोजन के दो रेशियो हैं यहां पर, ऑक्सीजन कितना है, एक। अब पानी कब बनेगा, कोई भी रिएक्शन कभी जाके कंप्लीट होगी, जब उसके रेशियो क्या होंगे, फिक्स होंगे। अगर हम यहां पर देखते हैं इसके इनटू दो हो गए, क्योंकि ये दो लगा हुआ है, तो कितने हो गए, चार, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए और दो इसमें ऑक्सीजन हो गए। यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो चार तो इसमें क्या हो गए, हाइड्रोजन, और दो इसमें क्या हो गए, ऑक्सीजन। तो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि कॉन्स्टेंट हमेशा सेम ही होता है, और ये जब एक फिक्स कॉन्स्टेंट यानी फिक्स रेशियो के अंदर ही रिएक्शन करते हैं तभी हमारा प्रोडक्ट बनता है। अब बात करें कि सर ऐसा पॉसिबल है क्या कि हमने H2 तो ले लिए दो और ऑक्सीजन एक हो गई, एक से तो हो जाएगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे भी ले लें तो इस रिएक्शन में H2O2 बनेगा क्या, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये बैलेंस इक्वेशन नहीं होगी यहाँ पर, क्योंकि वाटर बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल रहने पड़ेंगे तभी दो मोल जाके इसके बनेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास क्या आता है, एक साइंटिस्ट आता है जिसको हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम, जिसने क्या लिया, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी लिया, डाल्टन, और इसकी थ्योरी को हम क्या कहते हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन कौन था, डाल्टन एक ब्रिटेन का कम्बरलैंड नाम की जगह थी जहां पर ये पैदा हुआ था 1766 में, 1766 में इसका बर्थ हुआ था। अब इसने क्या किया, एक थ्योरी दी, इसने थ्योरी में कहा कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ना वो क्या होता है, एटम होता है। दूसरी बात,
इसने कहा कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो एटम है ही सही, उसके बाद भी अगर हम बात करें तो इसको जो पार्टिकल है इसको नाइदर बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तीसरी बात इन्होंने कही, ऑल एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन साइज, साइज स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या करता है एटम का रहता है, जो बात मैरिसी कनर्ड ने और डेमोक्रेटस ने कह के गया। दूसरी बात इन्होंने क्या कही कि एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब एटम ऐसी चीज है जिसको ना तो हम बना सकते हैं ना ही तोड़ सकते हैं। हम क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, वो भी एक फिक्स रेशियो के अंदर, ऑल एलिमेंट्स आर सेम। बट आगे अगर हम बात करें तो जब इसके ड्रॉबैक्स पड़ेंगे तो ये बात हो जाएगी इसकी गलत। क्यों हो जाएगी गलत, क्योंकि एटम को फर्स्ट वाली बात जो है ये भी गलत हो जाएगी। क्यों, आजकल जो साइंटिस्ट आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भैया एटम को हम तोड़ सकते हैं, एटम से और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलते जा रहे हैं, इस वजह से हम आजकल इस थ्योरी को भी गलत मानने लग गए। तो डाल्टन ने कहा तो अगर हम इसके ड्रॉबैक्स देखें तो एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल भी नहीं रहा, इसको तोड़ भी सकते हैं और सभी एलिमेंट्स सेम नहीं होते। इसने क्या कहा कि सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, यानी सेम होते हैं, और सेम जैसे हम बात करें कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, तो इसने कहा कि सारे के एटम क्या है इनके सेम है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, इनके मास अलग अलग होते हैं। दूसरी बात इन्होंने ऐसा भी नहीं बताया, आइसोटोप के बारे में इन्होंने कोई जानकारी नहीं, आइसोटोप के बारे में क्यों नहीं दी, क्योंकि उस टाइम पे इनको इतना ध्यान नहीं था। और आइसोटोप होता क्या है, जो सेम टू एटॉमिक मास नंबर होते हैं, बट डिफरेंट उनका क्या होता है, मास होता है। जैसे सर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन क्या होता है, तीन फॉर्म में पाया जाता है, 1H1, 1H2, 1H3, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अब इसमें बात करें ये क्या होता है, हमेशा याद रखना ये होता है एटॉमिक नंबर, ये होता है एटॉमिक मास। तो इसका एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन का तो 1 ही होता है, लेकिन इसमें मास कितना है, 2, इसमें मास कितना हो गया, 3। तो ये तीनों क्या है, आइसोटॉप्स कहलाते हैं। जैसे और एग्जांपल की बात करें, C14 एंड C12, कार्बन 12 और कार्बन 14, जिसको हम किसके काम में लेते हैं, फॉसिल्स की एज निकालने के काम में भी, यानी जो इंसानों की एज या हम जानवरों की एज निकालने की बात करते हैं कि कौन कितने साल पुराना है, उसमें हम C14 का काम लेते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। और अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्लोरीन 35.5 एंड 37.5, ये भी दो फॉर्म में पाया जाता है। तो ये सारे के आइसोटॉप्स हैं, इनके बारे में भी उसने कोई जानकारी नहीं दी थी। अगर आगे बढ़ते हैं तो जैसे हम एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसके अंदर हमने सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 की बात की, उन्होंने ये कितने ग्राम लिया, इन्होंने 14 ग्राम, और इसकी रिएक्शन कराई इन्होंने किससे, एसिटिक एसिड से। एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH, इससे रिएक्शन कराई, ये कितनी थी, 10 ग्राम ली इन्होंने। अब ये पूछ रहा है कि 16.67 was left जब रिएक्शन हुई इन दोनों की, तो क्या वो जो प्रोडक्ट बना वो 16.67 ग्राम बचा, तो इसमें से जो गैस बाहर निकली, अभी हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले कि जो गैस होती है वो कुछ अमाउंट में बाहर निकल गई, तो
तो अगर हम बात करें कि रिएक्टेंट तो ये दोनों है और प्रोडक्ट का मास ये है, तो अभी हमने मास कंजर्वेशन की बात करी थी कि दोनों तरफ मास क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसका मास कितना है? रिएक्टेंट की अगर हम बात करें तो इसका टोटल मास कितना है? 14 प्लस 10 इक्वल टू 24। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो 16.67। तो भैया गैस कितनी बाहर निकल गई? इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा? 16.67 कुछ नहीं है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, डबल जीरो आ जाएंगे। सॉल्व किया तो कितना आएगा? 3 3 यहाँ का 3, ये उसको दिया तो 37, यानी 7.33 ग्राम इसमें से क्या बाहर निकल गई? गैस बाहर निकल गई। आगे अगर हम देखते हैं इसका, तो इस क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मास क्या होता है? तो बराबर होता है। अगर उसमें कुछ कमी हो रही है तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? उसमें से कुछ गैस बाहर निकल गई। आगे अगर अपन चलते हैं तो जैसे ये कह रहा है, एक क्वेश्चन है वो कि 3.18 ग्राम ऑफ CuO कॉपर, हाँ सॉरी कॉपर इज हीटेड इन द प्रेजेंस एयर। अब एयर में हम जनरली कोई भी चीज किसकी प्रेजेंस में जलती है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है। तो वो कितनी है? वो कह रहा है इन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको जलाया, तो जलाने के बाद में क्या बचा हमारे पास? कितनी बच रही है? 3.98। जब इस कॉपर को हवा के अंदर जलाया, हवा में किसकी प्रेजेंस में चलती है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या आता है? ये मिलता है। अब इसमें से 1.06 ग्राम CuO, क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चलेगी तो CuO बना लेगी, तो ये जो CuO है 1.06 ग्राम, ये क्या करती है? रिडक्शन हो जाती है एंड गिव, रिडक्शन होकर क्या बना देती है? इसमें से क्या बाहर निकल जाता है? हाइड्रोजन निकल जाता है 0.847 ग्राम। आगे अगर हम बात करें तो सो दैट दिस फिगर आर अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन की अगर हम बात करते हैं तो देखो, पहली रिएक्शन ये हुई, दूसरी रिएक्शन, दो एक्सपेरिमेंट इसमें है, यानी ये फर्स्ट हुआ ये सेकेंड हुआ। तो पहले तो इसका कंपोजिशन तो निकाले हम, इसका कंपोजिशन कितना है? अब टोटल इतना, टोटल इतना, उसमें से कार्बन कॉपर इतना, तो 3.18 डिवाइडेड बाय 3.98 इनटू परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 79.89%। ठीक, अगर हम आगे चलते हैं तो अब इसका कंपोजिशन निकालते हैं, इसका कंपोजिशन निकालने के लिए वही करेंगे, ये 0.847 बाहर निकल गया, टोटल कितना था? 1.06, और इंटू करा दो 100% के लिए, और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आता है? 20.11 आंसर, 20.11%। अब पूरा तो 100% है, लेकिन इसमें कितना आ रहा है? इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? इतना बाहर निकल गया, ये हमारे पास CuO था, ये CuO के अंदर से हाइड्रोजन रिड्यूस हो गया इतना। तो अब इसको चेक करना है हमें, अगर ये दोनों की कंपोजिशन 100 आ जाती है तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो 79.89 प्लस 20.11, इसको अगर हम प्लस करते हैं तो कितना आता है? 0.1 0.1 0, 100% आ रहा है। और कोई भी चीज कंप्लीट कब होती है? जब 100% होती है। इसका मतलब ये सही कह रहा है कि इस क्वेश्चन में इसने बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा पूछा था हमसे, और उसने कहा था कि इसको एक बार आप चेक करिए। तो हमने देखा कि 3.18 ग्राम CU की जब रिएक्शन करवाई ऑक्सीजन यानी एयर की प्रेजेंस में, तो CuO बना, कितना बना? इतना बना। तो इसकी हमने कंपोजिशन निकाली तो 79.87 आई। दूसरी बात ये कह रहा है कि CuO के अंदर से जो टोटल इतना है, इसमें से 0.847 ग्राम जो है कौन बाहर निकल गया? हाइड्रोजन रिड्यूस हो गया। हाइड्रोजन रिड्यूस हो गया तो हमने इसकी कंपोजिशन निकाली, भाई वो बाहर निकल गया ना। अब बचा हमारे पास इतना, ये बाहर निकल गया, हमने दोनों को ऐड करके देख लिया कितना परसेंट आ रहा है? 100
100% आंसर आ रहा है, यानी कि बिल्कुल डाटा इसका करेक्ट है। आगे हम देखते हैं तो हम एटम के बारे में, बाकी का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।